निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं उमेश राय जी। उन्होंने जमीन दो सौ 91 एकड़ जमीन NH 57 पर हाईवे पर ला करके दिखा करके जो आईना बढ़ाया दिखाया है, इस आईना दर्शन सिर्फ दरभंगा नहीं, आपके जो पड़ोसी देश नेपाल है, आपकी लड़ाई की आग नेपाल में भी जाएगी, वहां से भी आवाज आएगा कि आप DMCS को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाइए, नेपाल भी आपके साथ है, ये लड़ाई आपके साथ विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई होगी। इन्हीं विश्वास के साथ मैं आपके इस लड़ाई के साथ हर कदम आपके साथ रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है कि विचार गोष्ठी का एक बैनर और इस बैनर तले नागरिक समाज के द्वारा DMCH बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। 23 नवंबर 2022 को जब दरभंगा के नागरिक समाज के तत्वाधान में दरभंगा बचाओ एम्स बनाओ कन्वेंशन को आयोजित की गई, तो इस मौके पर अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया और सबने अपनी अपनी बातें रखी। वक्ताओं ने कहा कि DMCH गरीबों का लाइफ लाइन है, अगर DMCH की भूमि हस्तांतरित कर के एम्स को दी गई तो इसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। एम्स बनना चाहिए लेकिन इलाज का जो पुराना ढांचा था वही रहना चाहिए। साथ ही विचार गोष्ठी में संघर्ष मोर्चा के गठन, विधानसभा विधान परिषद की शीतकालीन सत्र में आवाज बुलंद करने की अपील भी की। संघर्ष मोर्चा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता देवेंद्र कुमार ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य अधिकार की लड़ाई के लिए आयोजित इस कन्वेंशन से दरभंगा सहित आसपास के तमाम जिलों के लिए सहारा। DMCH में डॉक्टरों कर्मचारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली एवं जांच घर को जल्द शुरू कर उन्नत इलाज की गारंटी की मांग भी रखी। साथ ही नागरिक समाज के कन्वेनर उमेश राय ने आगे की कार्यनीति को स्पष्ट करते हुए आगामी कार्यवाही की रूपरेखा गोष्ठी में भी रखी। आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपको रख सके हम सबसे अपडेट।